फजल जानहार साहब हमारे प्रेस क्लब के सीनियर साफ़ी और दरीना दोस्त थे, उनका इस तरह का बेमाना कत्ल तमाम साफ़ी बरदरी के लिए लम्हा फिक्रिया है और ये एक ऐसा नुकसान है जिस पर जितना भी दुख किया जाए इसका कोई इजाला नहीं है। मेरी वसीय सदर प्रेस क्लब आर पी ओ सरगोदा, डी पी ओ सरगोदा और डी एस पी सदर सर्कल साहब से इल्तमास है कि वो इस मामले को इंतहाई संजीदा लेते हुए रवायती तफ्तीश से हटकर जदीद तकाजों के मुताबिक तफ्तीश करें और जो कातिल है उसको बेनकाब करें और कैफरे किरदार तक। सहाफी सरापा एहतजाज हैं। सदर प्रेस क्लब के मुताबिक मकतूल फजल सीनियर सहाफी था, उसको नाहक कत्ल किया गया। सहाफी फजल ने हमेशा जिम्मेदाराना और मुस्बत सहाफत की। सदर प्रेस क्लब के मुताबिक जदीद तरीकों की मदद से सफाक मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नाज़रीन, जहां वर्षा सरापा एहतजाज है वहीं पर दोस्त और सहाफती बरादरी भी इस कत्ल पर गमजदा है। हर शख्स सहाफी फजल के कातिलों की गिरफ्तारी का कर रहा है मुतालबा। क्यों पुलिस अभी तक मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है? पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजूहात क्या है? कब तक मुलजमान होंगे गिरफ्तार? ये फजल जान साहब जो हैं, इनका एक चूँकि ब्लाइंड मर्डर है तो इसमें हमने जनाब आर पी ओ साहब और जनाब डी पी ओ साहब के हुक्म के मुताबिक अपनी टीमें बना दी हुई हैं जिसमें आई टी सी आर ओ और हमारे जो सी आई ए है वो भी शामिल हैं और मुतलका थाना में भी हमने तीन टीमें बनाई हैं जो इस ब्लाइंड मर्डर के ऊपर काम कर रही हैं। उस दिन जिस दिन ये बकुआ हुआ है मैं खुद भी मौके पे हाजिर हुआ था और तमाम प्रेस वाले भाइयों से मुलाकात भी हुई थी और हम पूरी कोशिश उस वक्त भी से ही हम कर रहे हैं कि एविडेंसेस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हमें मिलें, कोई ऐसी लीड हमारे हाथ आ जाए तो जो ही इंशाल्लाह इसके ऊपर हम प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। जैसे ही कोई लीड हमारे हाथ आती है तो इस मुकदमे में जो जिम्मेदार मुलजमान होंगे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और इस बुनियाद के ऊपर डेली बेसिस पे हमारे जो डीपी साहब हैं जनाब बिलाल जफर साहब वो डेली बुनियाद के ऊपर मीटिंग्स भी कर रहे हैं और ख़ुद भी वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं और उन्होंने पर्सनली मुझे भी सुपरवाइज़ करने के लिए हुक्म दिया हुआ। मैं डेली यहाँ पर आके इस केस की सुपरविजन भी कर रहा हूँ और इसमें इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द इसको यकसू करने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा और हमें आपसे भी तावन की तवक्को है, उम्मीद है कि आप इसमें हमारी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द केस ट्रेस हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक फजल का कत्ल अंधा कत्ल है। पुलिस सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक अंधे कत्ल का जल्द सुराग लगा लिया जाएगा। पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करके इन्हें सजा दिलवाएगी। नाज़रीन, 55 बरस के शख्स की किसी के साथ कोई अदावत नहीं थी। पुलिस अंधे कत्ल का सुराग लगा रही है। मुलजमान पकड़े जाएंगे तो ही कत्ल की असल वजह सामने आ सकेगी। सहाफी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल करने वालों को गिरफ्तार करना जरूरी है। यहां वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।